हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है इवेंजलिज्म मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आजकल की हम अपने बिजनेस सिनेरियो को देखें तो वो इतना ज्यादा क्राउडेड हो गए हैं। एक ही इंडस्ट्री का एक ही प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं कि अपनी मार्केटिंग करने के लिए हमें अपना स्पेंड बढ़ाना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। बट अगर आपको मैं एक टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताऊं जिसमें जो आपका कंज्यूमर है वही आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च नहीं करनी, बट आपका कंज्यूमर ही अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जा रहा है, लोगों को कह रहा है कि यार इसका प्रोडक्ट लो, ये कंपनी बेस्ट है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा बढ़िया होगी। हमें ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे बट हमारा कंज्यूमर अपने आप हमारी मार्केटिंग कर जाए। इस टाइप की मार्केटिंग को कहते हैं इवेंजलिज्म मार्केटिंग। इवेंजलिज्म मार्केटिंग एक टाइप की वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ही है जिसमें जो हमारा कंज्यूमर है वही हमारे लिए हमारी मार्केटिंग करते हैं। हम कोई ऐसे एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड नहीं करते, कंज्यूमर ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास जाएगा, लोगों को कहेगा यार इसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बढ़िया है, अगर आपको इस टाइप का प्रोडक्ट लेना है तो आप इसी कंपनी से प्रोडक्ट लेना, इससे बढ़िया आपको कंपनी मार्केट में मिलने नहीं वाली। इस टाइप की मार्केटिंग में हम जो हमारा कंज्यूमर है उसको अपना ब्रांड एडवोकेट बना लेते हैं, हम उसको इतनी ज्यादा बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इतना ज्यादा बढ़िया उसको ऐसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर कहता है यार ऐसा एक्सपीरियंस तो वो कहीं मिलना ही नहीं वाला, तो वो खुद ही हमारी मार्केटिंग अपने आप करने लग जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात लेके चलूं तो कोई बंदा मेरे से पूछता है कि यार दिल्ली के अंदर बेस्ट स्कूल कौन सा है, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ यार आप अपने बच्चों को जिस स्कूल से मैं पढ़ा उसी स्कूल में डालो, वो इतनी ज्यादा बढ़िया स्कूल था, उसने मेरे को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी ग्रोथ की, इतनी ज्यादा बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करी जो आपको बाकी में भी किसी स्कूल में ना मिले। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल से कोई चीज़ें पैसे नहीं ले रहा कि लाओ चलो मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ, लाओ मेरे को पैसे दो मैं तभी आपकी मार्केटिंग करूंगा, बट उस स्कूल ने इतनी ज्यादा मेरे को बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करी कि मैं खुद ब खुद ही उस स्कूल की मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं लोगों को कह रहा हूँ यार आप अपने बच्चों को उसी स्कूल में डालना, इस स्कूल से बढ़िया मे भी आपको कोई स्कूल ना मिले दिल्ली का। या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसिंग की बात करें तो आप लपास के किसी भी क्लाइंट से पूछोगे कि दिल्ली के अंदर आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसिंग कहाँ से मिलती है, बंदा यही कहेगा यार लपास ने मेरी बहुत हेल्प करी ग्रोथ में, लपास में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आपको मिल सकती है दिल्ली के अंदर। तो ऐसे जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमारे कस्टमर्स हैं जब वो हमारी खुद ब खुद मार्केटिंग करते हैं, हम लोग कहते हैं इवेंजलिस्ट मार्केटिंग। इसमें हम अपने कस्टमर को अपना इवेंजलिस्ट बना लेते हैं, मतलब अपने एक टाइप का प्रमोटर बना लेते हैं कि वही जा रहा है और वही हमारे लिए सारे मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहा है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अपने कस्टमर को इवेंजलिस्ट बनाए कैसे, ऐसा क्या करें कि वो खुद ही अपनी मार्केटिंग करने लग जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम उसको मे बी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट फिर भी उस कस्टमर के पास ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स को बात करने के लिए और हमारी कंपनी के बारे में बात ना करें। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमें उसको सिर्फ अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी, हमें उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड करना है जो आज तक उसने कभी देखा ही ना हो। जैसे अगर आप कभी किसी सैलून में जा रहे हो, एक टाइप का सैलून होगा वो ठीक है, जैसा आप उसको बाल काटने को कह रहे हो वैसे वो काट रहे, बट कोई दूसरे टाइप का सैलून है वो इतनी ज्यादा बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे भी कस्टमर जाए यार ऐसी सर्विस तो मैंने आज तक देखी नहीं। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर एक ऐसा सैलून है जिसमें आपके बालों में पहले वो आग लगा देते हैं फिर आपके बाल काटते हैं, तो वो एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस है जो कस्टमर एकदम मजबूर हो जाता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताने के लिए कि यार उन्होंने पहले मेरे बालों को आग लगा दी फिर मेरे बाल काटे। तो एक वो टाइप का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपीरियंस है ना वो आते हैं हमारा इवेंजलिज्म मार्केटिंग के अंदर। इसमें जो हमारा दूसरा टाइप है हम ये कर सकते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनको क्या करें कमीशन बेस्ड ऑफर उनको दे दें कि आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो और हर एक सेल पे हम आपको भी कमीशन देंगे। मतलब इस टाइप में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर्स को कह रहे हैं कि जाओ आपको हम कमीशन देंगे बट आपको हमारा प्रोडक्ट सेल करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कंज्यूमर ही खुद कर रहा है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जा रहा है कि भैया अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए ना तो मैं आपको बता रहा हूँ यही वाला प्रोडक्ट लेना, इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। चाहे इंटेंशन उसके पीछे ये हो कि वो एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सके बट बेसिकली वो आपकी मार्केटिंग ही कर रहा है। इसमें जो हमारा थर्ड टाइप है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा इनोवेट कर दीजिए कि लोगों ने वो आज तक सोचा ही ना हो कि यार ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं Asus की बात करके चलूं तो Asus ने क्या किया, अपना लैपटॉप नया निकाला, इसमें दो दो स्क्रीन्स थी, एक ऊपर स्क्रीन थी एक नीचे स्क्रीन थी, तो लोग पागल हो गए यार ये हमारी प्रोडक्टिविटी तो अलग लेवल की पहुंच जाएगी, हमारे पास दो दो स्क्रीन वाला लैपटॉप है। तो जो भी उसके कस्टमर थे जब भी अपना लैपटॉप खोलते तो आसपास के जितने भी लोग थे वो एकदम शॉक हो जाते कि यार ये क्या चीज़ आ गई है, इस लैपटॉप के अंदर तो दो दो स्क्रीन्स हैं। तो उसमें अपने आप ही जो उसका कस्टमर है वो लोगों को बता रहा है देखो यार Asus का प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्टिविटी देखो क्या मस्त कर रहा हूँ मैं, चाहे उससे बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट हो या ना हो बट अपने आप को एक बहुत बढ़िया पर्सन दिखाने के लिए वो खुद ही ऐसे यूनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं।
जैसे अगर मैं इसका अगला एग्जांपल लेके चलूं, तो जैसे माय नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम वीडियो है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ऐसे शोज बना रहे हैं कि कस्टमर अपने दोस्तों को कहते हैं, यार तूने वो शो देखा, वो नया शो आया हुआ है यार नेटफ्लिक्स पे, बड़ा मस्त शो है। या उसके कस्टमर उसी शो के किसी कैरेक्टर पे मीम्स बना के एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उसके कस्टमर जो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ रहा अपनी मार्केटिंग के लिए। या आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स अपना यूट्यूब चैनल बना लिया जिसमें जो उसका शो से रिलेटेड मीम्स वो शेयर कर रहा है और उसे शो से रिलेटेड उसकी बातें चल रही हैं। तो इसमें नेटफ्लिक्स ही अपनी ऐसी प्रमोशन करा रहा है कि उसके कस्टमर को कोई टॉपिक मिल जाए उसके शो से रिलेटेड कुछ बात करने का। तो बेसिकली ये सारी टाइप की मार्केट भी हमारी इवेंजलिज्म मार्केटिंग के अंदर आती है। पर अगर हम इवेंजलिज्म में वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एप्पल को कैसे भूल सकते हैं। एप्पल इस टाइप की मार्केटिंग में एकदम बेस्ट बना हुआ है, वो इस टाइप की अपनी सर्विसिंग प्रोवाइड करता है। एप्पल के अंदर हमें इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है कि अगर एक बार कोई बंदा एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर जाए, उसको जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली होंगे सबको कहेगा, भाई आप एप्पल का इकोसिस्टम यूज करना, ये बहुत बढ़िया है। या अगर मैं एप्पल के किसी कस्टमर की बात करके चलूँ, तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि सर बेस्ट लैपटॉप मैं कौन सा लूँ, वो कहते हैं आप एप्पल का मैकबुक ले लो, इससे बढ़िया आपको कनेक्टिविटी कहीं मिलने ही नहीं वाली। तो ऐसा तो नहीं है एप्पल ने उनको पैसे दिए हों, बट वो खुद ही एप्पल की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो एप्पल के इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा खुश है। इसमें जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो ये आता है, हमें ये देखते हैं हमें किस बंदे को अपना इवेंजलिस्ट या किस बंदे को अपना ब्रांड का एडवोकेट बनाना है। वो बंदा ऐसा होना चाहिए जो हमारी ब्रांड वैल्यूज हमारी विजन के साथ अलाइन कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदे की विजन एकदम अलग है और हमारी ब्रांड की विजन अलग है। अगर हम किसी बंदे से अपनी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग या इवेंजलिज्म मार्केटिंग कराना चाह रहे हैं, तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि वह ऐसा ना हो हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे। इवेंजलिस्ट जो वर्ड है वो वर्ड ही आया है गुड न्यूज से। तो हमारा जो कस्टमर है वो अगर हमारी विजन से अलाइंड होगा, तो हमेशा वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में गुड न्यूज ही लोगों को देगा, कभी बैड न्यूज नहीं देगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइड करनी है, अपने प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर ऐड करना है, या अपने कस्टमर को हमें कुछ ना कुछ ऐसी बढ़िया चीज प्रोवाइड करनी है जिसके बदले वो हमारी मार्केटिंग करें। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।